कोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी और वकीलों पर हो रहे हमलों के विरोध में कोटा अभिभाषक परिषद के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। और इस दौरान अदालत में आने वाले पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कोर्ट में होने वाले स्टैंप, टाइपिस्ट और पैरवी के काम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अध्यक्ष दीपक मित्तल ने बताया कि कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि हो गई है और साथ ही प्रोसेस फीस में भी 20 गुना इजाफा किया गया है और इससे पक्षकारों को काफी समस्याएं आ रही है। और इसके अलावा वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने की बात कही थी और इसमें राजस्थान सरकार को उनके वादे भी दिलाए जा रहे हैं। वहीं अभिभाषक परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो सभी वकील सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जिस तरीके से आधी माफी लगती है, 1 रुपए का टिकट लगता था, 50 रुपए का टिकट लग रहा है, प्रोसेस जो फीस है वो 20 गुना करीब वृद्धि की गई है। इस तरह आम जनता पर राजस्थान सरकार ने जबरदस्त तरीके से फीस की वृद्धि की है। आज कोटा अभिभाषक परिषद पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं को आह्वान करता है कि वो इस फीस जो वृद्धि की गई है, सिविल एंड क्रिमिनल रूल्स में जो फीस की वृद्धि की गई है, उस वृद्धि का डटकर हम विरोध करेंगे और निश्चित रूप से ये आम जनता पर लाद रहे हैं। इस तरह का बोझ ये ऐसे ही नहीं है।